हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 100 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। उसका सवाल क्या है हम लोगों का? सवाल में बोल क्या रखा है, सबसे पहले कि दे रखा है क्या, 3 पर्सन PQR टुगेदर इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना, 1200, 1500 एंड 1250। ठीक है, यानी PQR इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1200, 1500 एंड कितना, 1250। ठीक है, अब जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मालूम हो गया तो अब मुझे टाइम मालूम हो जाए तो मुझे प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकल जाएगा। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 15 ईयर, 10 ईयर एंड 20 ईयर रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये इन्वेस्ट किया था 15 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये इन्वेस्ट किया था हमारा 10 ईयर्स के लिए, और ये इन्वेस्ट किया था हमारा 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो जब 20 ईयर्स हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कट क्या रहा है हमारा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, और 1 और 1 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 5 से काट देंगे इसको 2 बार में, 5 से इसको काट देंगे 25 बार में, 2 से और कट जाएगा, 2 से 2 ख़त्म, और 2 से यहाँ कट जाएगा 6, यानी कि रेशियो आ गया 6 3 18, रेशियो 15:25। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है, पी रिसीव्ड 100 रुपीज पर ईयर लेस देन वट क्यू रिसीव्ड एज हिज सैलरी। ठीक है, हर साल क्यू को जितना सैलरी मिलता था उससे 100 रुपया जो है कम मिलता है, किसको, पी को। तो क्यू को हर साल कितना मिलता था हमारा, क्यू को हर साल मिलता था हमारा मान लीजिए X रुपया, तो पी को कितना मिलेगा, पी को मिलेगा X-100 रुपीज। ठीक है, ये आपका सैलरी उन लोग को मिल रहा है, प्रॉफिट शेयर से उसमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा सैलरी हो गया। तो सैलरी के रूप में पी और क्यू को कितना मिला होगा, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। पी क्यू को जो सैलरी मिला होगा, ठीक है, सैलरी के रूप में मिला होगा, देखिए तो यहाँ पे हर साल उसको X रुपया अगर मिल रहा है, ठीक है, तो X रुपया क्यू को मिल रहा है, यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा, कितने साल तक था, 10 साल तक। फिर आगे बढ़ते हैं, पी को हर साल अगर X-100 मिल रहा है तो क्यू को कितना मिलेगा हर साल, यानी कि गुना है कितना, 15। ठीक है, अब इसी को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यही हमको सॉल्व करके यहाँ से 100x, यहाँ से 15x, यानी कि 25x माइनस में 1500 देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में, और क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग टोटल सैलरी, सैलरी इंक्लूड करके पी का जो है वो है 2850 मोर देन दैट ऑफ आर। यानी कि हमको क्या मालूम हो गया इस स्टेटमेंट से, पी माइनस आर का जो सैलरी इंक्लूड करके है वो कितना है, 2850 है। ठीक है, एंड टोटल प्रॉफिट इज 37,371,371,100। ठीक है, यानी कि टोटल सैलरी कितना है हमारा, 37,100, सॉरी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जब हमको दिए हुए, सवाल देख लो यहाँ पे क्या है, टोटल प्रॉफिट हमको दिए हुए है कितना, 37,100। तो जो इस रेशियो में बटेगा वो कब बटेगा, सैलरी देने के बाद ही ना बटेगा, क्योंकि सैलरी जो हम लोग देते हैं वो किससे देते हैं, प्रॉफिट से देते हैं। सैलरी देने के बाद जो बटने वाला है इन रेशियो, वो बटने वाला प्रॉफिट क्या हो गया, यानी प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 37,100, और सैलरी टोटल कितना बटा है, 25x-500, 1500, यानी इसी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 25x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15x। यानी जो सैलरी रेशियो में बटेगा, मतलब जो रेशियो में उन लोगों का प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना में बटेगा, वो हो जाएगा 37,100 प्लस में 1500 और माइनस कितना, 25x। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यही हमको देगा 38,600 और माइनस में कितना, 25x। ठीक है, चलो अब यही रेशियो में हमको बांटना है। अब कंडीशन क्या दिए हुए हैं यहाँ पे हमारा, कंडीशन दिए हुए है पी का और आर का अंतर कितना दिए हुए है, 2850। ठीक है, तो सबसे पहले पी को कितना मिल रहा है, पी को देखो तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, पी को मंथली सैलरी के रूप में मिल रहा है X-100। सबसे पहले उसको टोटल सैलरी कितना मिल रहा है, X-100 मिला मंथली सैलरी के रूप में, कितने सालों तक, 15 सालों तक, इतना पहले मिल गया। उसके बाद इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कितना मिल रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग पी का क्या हो जाएगा, 18 अपॉन में इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 58। ठीक है, और इनटू करेंगे जो बटने डिविडेंड है बटने वाला, वो कौन सा है, 38,600 माइनस 25x।
38600 माइनस में कितना 25x, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया P का शेयर। अब माइनस क्या करना है हमें, R का शेयर माइनस करना है। R का शेयर क्या है हमारा 25 अपॉन में 58, तो 25 अपॉन में कितना 58, और फिर इसमें इंटू क्या करेंगे 38600 माइनस में कितना 25x, ठीक है, और यही इक्वल टू हमारा कितना है 2850 है, ठीक है। 2850 जब हो गया तो इसी को फर्दर हमें अब सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कुछ दूर तक मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 15 वाले में ऊपर भी हम लोग 58 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम लोग 58 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरे फंक्शन में दोनों ही जगह से 58 कॉमन आ जाएगा, जहाँ पे भी 58 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेके क्या करते हैं 2850 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15x इंटू में कितना 58, ये मेरा तरीका सॉल्व करने का, आप इसे जैसे भी सॉल्व कर लो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये कैसे मिलेगा हमें 1500 इंटू क्या 58, ठीक है। प्लस में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा अगला टर्म क्या है, हमारा 18 इंटू हमें मिलेगा 38600, और फिर माइनस हम लिखेंगे क्या 25x इंटू में क्या 18, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, आगे देखो कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 25 दिख रहा है, तो माइनस में हम लिख दिए 25 इंटू 38600, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एक्स हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा क्या 25 इंटू कितना 25x, और इक्वल टू में कितना 2850, और इंटू में हमारा कितना हो जाएगा 58 भी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हमारा मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं, 25x इंटू 18 है, माइनस में 25x इंटू 25 है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 25x अगर कॉमन ले लेंगे तो सीधे सीधी 25 में 18 ही घटाना है, जो कि हमें क्या देगा 7 देगा। तो यहाँ से हम ये दो एक लाइन को हम यहाँ पे लिख देंगे, 15x गुना में कितना 58, और प्लस में 25x कॉमन ले लिए थे, 25 में 18 चला गया, कितना बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 इंटू 38600 है प्लस में, यहाँ पे 25 इंटू 3860 है माइनस में, यानी 3860 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 25x और इंटू में जहाँ हमारा 7 था, ठीक है। अब यहाँ पे 3860 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन जब लेंगे हमारा तो घटाना क्या है, 18 में 25 निगेटिव में हमें देगा, निगेटिव में कितना 7 इंटू 38600, ठीक है, 38600 हमें मिल गया यहाँ पे। जब 38600 मिल गया तो हमारा बच क्या रहा था, यहाँ पे बच रहा है एक 1500 इंटू 58, इसको हम उधर भेज देते हैं इक्वल टू के इस साइड। इस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या देगा, 2850 इंटू 58 हमारा पहले से ही था, और प्लस में हमारा 1500 इंटू में क्या 58 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हो गया तो यहाँ पे भी हमारा 58 कॉमन दिख रहा है, तो इसे भी हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 4, जब इसे ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 4350 इंटू में हमारा कितना 58, ठीक है। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है, अब इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का, इतना दूर तक ही आप कॉमन ले सकते हो। इसी को फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एक्स बराबर आपको मिलेगा 500, ठीक है। एक्स जब आपका 500 आ गया तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि 500 जब आ गया तो अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू, प्रॉफिट शेयर क्यू का कितना है। तो Q को प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, Q को पहले क्या मिला था, X रुपए सैलरी के रूप में कितने सालों तक, 10 सालों तक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस में, अब 15 बटा में क्या हो जाएगा 58, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा जो बटने वाला था वो कितना था 38600 माइनस में कितना 25x। इसी में हर जगह X का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तो हर जगह 5 रखने के बाद यहाँ पे आप रख भी सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारा 500 इंटू 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 15 बटा में हमारा कितना है 58, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 38600 और माइनस 25 इंटू 500 जब हम लोग करेंगे तो ये हमें देगा 12500, ठीक है। और इसी को फर्दर घटाने के बाद हमें मिलेगा 5000, और प्लस में हमारा जब इसी को सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को 15 अपॉन में 58 तो ये हमें देगा 6750, ठीक है। तो इसी को जब हम फर्दर ऐड कर दिए यहाँ पे, ऐड करने के बाद हमें मिल गया 11750, और इसी के साथ हमारा जो Q का प्रॉफिट शेयर है वो है हमारा 11750, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, जस्ट कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कि प्रॉफिट शेयर कैसे बढ़ता है, आप इसे एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। होप आप लोगों को क्लियर होगा।